टमाटर फल है, फलों को आहार के साथ मिश्र नहीं करना है, टमाटर भोजन में खाना चाहिए नहीं। आलू टमाटर की सब्जी नहीं और दाल में टमाटर का छोक नहीं। सही बात यह है कि भोजन से अगर खट्टाई हट जाए तो काफी रोग हट सकते हैं। लेकिन एक बात, सभी जब सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं तो साइंटिफिक बात जो मैं बताना चाहूंगा कि हम जो रोटी और चावल और आलू खाते हैं, अगर हमारे सब्जियों में दालों के अंदर टमाटर होता है तो साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि रोटी को हम खूब चबाते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन रोटी को चबाने के साथ साथ हम सब्जी खाते हैं, अगर सब्जी में टमाटर होगा तो रोटी हमारे मुंह में जाएगी और मुंह में जो सलाइवा पैदा होता है उस सलाइवा में टाइलिन नाम का डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर भोजन में टमाटर होगा तो रोटी में हम जो खाएंगे सलाइवा पैदा होगा लेकिन टाइलिन पैदा होगा नहीं। इसलिए टमाटे वाली सब्जियों के साथ खाया हुआ स्टार्च हमारे शरीर में हजम होता नहीं है और मोटापा लाता है। सही बात यह है कि भोजन से अगर खट्टाई हट जाए तो काफी रोग हट सकते हैं। फल हम सुबह में खा सकते हैं, जैसे टमाटर मैंने सुबह में बोला और टमाटर का सूप भी सुबह में बोला, शाम को भी अगर आप 6 बजे चाहो तो टमाटर खा सकते हो, टमाटर भोजन में खाना चाहिए नहीं। टमाटर का सूप बना के पी सकते जैसे अब हमने सुबह में बनाया। अब टमाटर का सूप कैसे बनता है कि टमाटर को मिक्सी में घुमा लिया, छान लिया, तैयार है, फिर एक बर्तन के अंदर तेल, राई, जीरा, मिर्च मसाला डाल दिया और पानी डाल दिया 1.5 कप। एक आदमी का सूप बनाते हैं, 100 आदमी का नहीं, 1.5 कप पानी डाल दिया, आधा पानी जल गया, मसाला उसके अंदर मिक्स हो गया। अब जो टमाटर का पल्प तैयार है उसमें डाल दो, 2 मिनट में और 2-4-6 मखाना डाल के या सोयाबीन डाल के या फूल पतासा डाल के या मशरूम डाल के वो सूप को ले लो। टमाटर मखाना, टमाटर मशरूम, टमाटर सोयाबीन का सूप तैयार। टमाटा गरम होगा नहीं, और गरम नहीं किया हुआ टमाटा खाने से आपके शरीर में जो पड़ा हुआ पथरी है वो घुल करके निकल जाएगा। अगर आप टमाटे को गरम करके खाते हो तो पथरी बनती है। ओके, आलू टमाटर की सब्जी नहीं और दाल में टमाटर का छोक नहीं।